हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम माइनक्राफ्ट में करने वाले स्पीड रन। तो इधर मैं आपके सामने वर्ल्ड बना रहा हूँ, आप देख लो। इसका हम नाम रखने वाले हैं स्पीड रन। बस स्पीड रन कर रहे हैं तो स्पीड रन ही रखने वाले। और ये सर्वाइवल, ये नॉर्मल, इसमें और क्या, ये शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देते और क्रिएट वर्ल्ड करते, देखते कि हमको कैसा वर्ल्ड मिलता है। वाह, हम वर्ल्ड में स्पॉन तो हो गए, पर ये पत्थर का वर्ल्ड कैसे मिल गया हमको? और ये क्या है? बाप रे, शल्कर बॉक्स है ये तो। टॉर्च लगाए। ये क्या है भाई? नेदराइट का आर्मर। बाप रे, पिकैक्स स्वॉर्ड, एंडरपल, नहीं ये क्या है, आई ऑफ एंडर, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, और ये नेदराइट के चार स्टैक ब्लॉक। भाई मुझे लग रहा है कि माइनक्राफ्ट वालों ने हमको कोई गिफ्ट दिया है, क्योंकि यार ये तो हो ही नहीं सकता है। चलो कोई बात नहीं, हमको आज एंडर ड्रैगन को मारना तो है, उसके साथ उसका जो अंडा होता है, मतलब ड्रैगन है, वो भी लाना है। तो देखते हैं हम कि इतना फालतू, मतलब ठीक ठाक सा आर्मर है ये तो नेदराइट का, उससे हम उसे मार पाते हैं कि नहीं। और मुझे सामने विलेज दिख रहा है, और विलेज के साइड ही एंटरप्रेल जा रहा है। बाप रे, तो शायद से ये माइनक्राफ्ट वालों ने हमको बहुत ही सही जगह स्पॉन किया। हे, और ये आईफिल टावर कहाँ से आ गया? वायर आईफिल टावर बना कर रखा है माइनक्राफ्ट वालों ने। भाई ये तो पेड़ के अंदर जा रहा है, पर पहले देख लेते आईफिल टावर पे जाके कुछ और भी अच्छी चीज मिल रही होगी शायद से। ये विलेज तो बहुत ही सही सा दिख रहा है मुझे एक बार। ओ तेरी, ये भी नेदराइट के ब्लॉक से बना हुआ है। माइनक्राफ्ट वाले तो भाई अमीर बन रहे। और ये नीचे, ये क्या है, ये पानी है कि ब्लू कॉन्क्रीट या तो कोई ब्लू कलर का ब्लॉक? थोड़ा नीचे खोद के चलते हैं, इधर से हम गिरने से शायद मर भी सकते हैं। और कूद जाते, और ये कौन सा स्पॉनर है? तोड़ो जल्दी से, तोड़ो तोड़ो। अरे हम ये तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गए शायद। हाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसे पहले पानी को बंद करो, देखते हैं क्या है। उर बाप रे, वाह भाई, माइनक्राफ्ट वाले हमारे साथ है शायद से। आज हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे शायद, और देखते। ये और ये सारा लगा दिया, पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास हर चीज़ है तो सही ना। ढंग का एक सही सा आर्मर लग रहा है मुझे ये। और स्वॉर्ड, पिकैक्स, शल्कर बॉक्स से क्या करूँगा? ये एंडरपल को फेंको यार, एंडरपल को ये लावा में जाकर मैं थोड़ा सा इसे जला देता हूँ। और नेदरराइट का ब्लॉक, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल एक खा लेते, अंदर चलती मर वर ना जाए, देख ले देंगे। और एंडर ड्रैगन को तो आज मारना ही है। और ये हमारा लोडिंग हो रहा है वर्ल्ड, देखते कि कहाँ स्पॉन हुए। और वाह, एंडर ड्रैगन, में पहली बार एंडर ड्रैगन को मारने जा रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, नेदरराइट के ब्लॉक से ऊपर चलते और एक बार देख लेते, फिर से मरेंगे तो नहीं ना हम जाकर। एंडर ड्रैगन मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और तो जल्दी से एक और दो तीन एप्पल, मतलब एक और थोड़े बहुत और एप्पल खा लेते और चलते इधर। और हम तो, ये माइनक्राफ्ट वालों ने स्पॉन तो अच्छे जगह किया था हमें, पर ये माइनक्राफ्ट वालों का ये जो एंड है ना, बड़ा ही सस्ता सा है। कहाँ पर स्पॉन किया है न जाने, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम इधर थोड़ी स्पीड ब्रिजिंग करने वाले, जो कि पॉकेट एडिशन में बहुत ही आसान होता है। तो थोड़ा पर मुझे रिस्क नहीं लेना ना, क्योंकि नीचे पूरा वॉइड है, और थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो ख़त्म पूरा। चलो तो हम इधर से चलते हैं। दो मिनट भाई, मुझे डर लग रहा है इधर से, दो मिनट थोड़ा नीचे जाकर रह लेते हैं, वरना पता चलो ऊपर जाओ और अंडर ड्रैगन मारते इधर दो तीन और खा लेते ये एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। अब चलते, अब देख लेते कि अंडर ड्रैगन हमारा क्या कर पाता है। मेरे पास तो वाटर ब्रिगेड भी नहीं है, और मैं तो पीवीपी गॉड भी नहीं हूँ भाई, मैं कैसे मारूंगा इसको? मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तो मुझे ये तो पता है कि इसके क्रिस्टल रहते हैं जो इसे हील करते रहते हैं,
पहले हमें उसको फोड़ना पड़ता है ताकि वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए, उसके बाद हमें उसको मारना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक वो भी हील होता रहेगा बार बार। और ये स्वॉर्ड से टूट क्यों नहीं रहा है, मतलब फूट क्यों नहीं रहा है, एक तरह थोड़ा बहुत और प्रोटेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मुझे पता है, पर ये तो चिंदी है भाई, इनसे कुछ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, ये तोड़ के हम फिर से नीचे उतरते हो, फिर मैं मिलता हूँ आपको सारे वो तोड़ के, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल तोड़ के। तो मैंने सारे एंड क्रिस्टल तोड़ दिए और अब मैं इसे मार रहा हूँ, और कितना सही लग रहा है यार, मुझे लग रहा है कि मैं इसे मार दूंगा, पर ये फिर से उड़ गया भाई। माइनक्राफ्ट वालों ने भाई वो नहीं दिया है, कोई तो दिक्कत है, बस थोड़े और हम ये एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल ठूस लेते हैं ताकि हमको कुछ हो ना, और इनमें रीजनरेशन, रेजिस्टेंस, फायर प्रोटेक्शन और येलो कलर को न जाने क्या बोलते, समझ नहीं आया। और ये फिर से आ गया, इससे लगना, इससे कूद कूद कर मारना पड़ता है, वरना ये नहीं मरने वाला है। और ये बस ख़त्म भाई, मुझे तो लगा था ये बहुत ताकतवर है, पर ये मुझे बहुत ही आसान सा लग रहा है, पर मैं सोच रहा था कि ये स्पीड रन में इतना आराम से कर लूँगा, पर यार माइनक्राफ्ट वालों ने तो और आसान बना दिया। और तो थैंक यू टू माइनक्राफ्ट जिनने भी मुझे ये वो दिया है, नेदर कार्बर, ये ओपी ओपी आइटम। और ये फिर से ये एंडर ड्रैगन कहाँ पर चला गया न जाने, 2 मिनट, ओ ये पागल हो गया क्या, एंडर ड्रैगन फेंके जा रहा है अपने ये ड्रैगन ब्रेथ, बाप रे, ये मेरे ऊपर गिर गया ना, एंडर क्रिस्टल से जाकर तो मुझे एंडर ब्रेथ में लगती, क्योंकि इनमें हमारे एक एक नेदरराइट के आर्मर में एक एक हार्ट चले जाते हैं। 2 मिनट ये आ गया इधर फिर से, अब तो इसको, इसका खेल तमाम, बस समझ लो आप, और ये खत्म भाई, ओवर, बस भाई एंडर ड्रैगन गया। बस मेरा टारगेट था कि इसका ये अंडा लेना, मतलब ड्रैगन एग, और इसको एक कूद कर ऐसे मारना था, और ये कहीं पर ऐसे टेलीपोर्ट हो जाता है, तो देखते कहाँ पर क्या ये रहा। तो इसमें ऐसे नीचे खोदना है और इसके नीचे एक टॉर्च लगा देना है बस, और ये खोद देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम इसे खोद नहीं सकते। और यार बहुत ही आसान था यार, मतलब एंडर ड्रैगन को मारना, और एक बार देख लेते कि हम नेदराइट के आर्मर में नेदराइट ब्लॉक्स के ऊपर से कूद के मरते हैं कि नहीं। यहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं मरने वाले, क्योंकि हमारे पास अभी ये इंचेंटेड गोल्डन ब्लॉक का इफेक्ट भी है जो कि बहुत ही तगड़ा होता है। 8 मिनट तक हमें इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खाने के बाद कोई नहीं मार पाता है, और तो हम चलते हैं इसमें, कूद जाते हैं और बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आज हमने एंडर ड्रैगन को पहली बार स्पीड रन में मार दिया और हम जीत गए हैं माइनक्राफ्ट गेम, समझ सकते हैं, पर इसमें हमें बहुत कुछ अभी भी करना है। और तो हमने माइनक्राफ्ट वालों के साथ और मैंने मिलकर एंडर ड्रैगन को आज हरा दिया, पर मुझे आपको एक बैड न्यूज़ देनी है कि हमारे सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो अब से नहीं आने वाली है, क्योंकि वो मुझसे फिर से डिलीट हो गया, पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं बस जो हमारा माइनक्राफ्ट का गेम है उसे 1.18 में अपडेट करना रहा था, तभी स्टोरेज फुल हो गया था और फिर सारे वर्ल्ड डिलीट हो गए थे। तो अब से मैं सोच रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट में और मैं सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बाकी ऐसे फन वीडियोस और स्पीड रन तो हम करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।